जानवी विल वेट फॉर 5 मिनट्स पे शुरू करते हैं, बाकी बच्चों को आने देते हैं। गाइज वी विल स्टार्ट विद इन 5 मिनट्स, लेट अदर पीपल्स टू ज्वाइन। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर 5 मिनट के बाद। Everybody on your video and audio, please. सबके सब अपने वीडियो और प्लीज अपने ऑडियो ऑन कर लीजिए।
सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अपने अपने ऑन कर लो। अपने अपने वीडियोज ऑन कीजिए प्लीज। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? वीडियो ऑन यस करो। सर, यस सर। वीडियो ऑन है सर हमारी। आपकी आपको मतलब नेटवर्क इश्यू लग रहा है आपकी साइड। मैं दोबारा से लॉग इन कर रहा हूँ, 5 मिनट रुको। मेरे को लगता है मेरा नेट गया। ठीक मेरे को मैसेज आ रहा है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है। हाँ सर, है। रुको भैया रुको, 5 मिनट दो मुझको भी, मैं भी रिचार्ज कर लूँ फटाफट से। ठीक सर। चल पर क्या हो गया ये, क्या दब गया ये, तो म्यूचुअल फंड दब गया मेरे से। अरे तुम लोग को मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर, दिखाई दे रहे हो आप। तो तुम लोग मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे? नेटवर्क इश्यू सर। मैं भी तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए ना फिर इस हिसाब से। रितिका दिखाई दे रही है मेरे को। तगड़ा लोचा हो गया। मुझे 5 मिनट दे दो यार, है ना, मैं करता हूं। मेरा रिचार्ज खत्म है, ये रिचार्ज फटाफट से करना पड़ेगा भाई, जल्दी हो जाए। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब सब अपने वीडियो ऑन करो। सौरभ त्रिपाठी ये कहाँ भाग गया? अनुज, अनुज कहाँ भाग गया? आज जानवी आई है, सब क्लैप करो, जानवी आई है। जानवी जी आप कहाँ रहते हैं जॉब में?
अच्छा मैंने ना एक व्हाट्सएप के ऊपर एक लिस्ट शेयर की, स्पॉटिफाई नहीं तो बीमार थे। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर 45 बच्चों की लिस्ट शेयर की है। ये वो बच्चे हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, जो जिसका भी ये दोस्त मित्र प्रेमी जो भी है, ये फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, उनको बोल देना कि सर को इमीडिएटली कॉल करना, पर रात को मत करना कोई मुझे 4 बजे, शाम को 4 बजे के बाद मुझे कॉल नहीं करेगा। डे टाइम में मेरे को 11 o'clock से लेके आप 3 बजे 4 बजे से पहले का कॉल कर सकते हैं। आई नीड टू टॉक दैट पर्सन, मुझे पर्सनल बात करनी है इनसे, और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे बात होनी है मेरे को। तो जो 45 बच्चे जो भी हैं, ये चाहे जॉब में हैं, कहीं भी हैं, वहीं पे हैं, वहां पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। मुझे पूछना है कि ये लोग कहाँ पे हैं, इनका करंट नंबर क्या है, और ये अगर जॉब कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, लोकेशन को मेरे को ये जानना है इनका, बस। पूरी क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी के रीजन हेल्थ इश्यूज है, एक्सेप्टेबल है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल यही जानना है कि भैया आपका जो करंट कॉन्टेक्ट नंबर है वो कौन सा चल रहा है, आप हो कहाँ पे वो पता लगना चाहिए, और कहाँ जॉब कर रहे हो, अगर कोई जॉब कर रहे हो, कोई इवेंट्स कर रहे हो तो भाई मुझे बता दो। जो मेरे को कॉल नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे कॉल नहीं कर पा रहा है, वो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकता है अपना रोल नंबर, अपना लोकेशन कहाँ पे है वो बंदा, मेल है फीमेल है क्या, कौन है वो, है ना, कि सर मैं यहाँ, लोकेशन है मेरी और ये मेरा करंट कॉन्टेक्ट डिटेल है, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इवेंट करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जो भी करता हूँ मैं, या मेरा कोई इस वजह से नेटवर्क इशू है या कोई दिक्कत है, तो वो रीजन लिख के अपने रोल नंबर के साथ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। कोई भी ग्रुप पे मैसेज नहीं डालेगा, नोबडी कैन पुट द मैसेज ऑन ग्रुप। मेरे मोबाइल पे मेरे नंबर पे पर्सनल व्हाट्सएप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो कॉल नहीं उठा सक कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके आसपास के बच्चे होंगे जिनको आपको जानते हैं तो उनको आप बोल दीजिएगा, और ये 2 दिन का ही टाइम है, आज और कल, उसके बाद मेरे को मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। और मुझे भी मत बोलना कि सर हमारी डिग्री में ट्रेनिंग में ट्रेनिंग तो लगी लेकिन हमारी नहीं लगी, तो वो फिर मेरी गलती नहीं होगी, मैं पहले बोल देता हूँ। सर ट्रेनिंग के लिए अगर पोस्ट प्रोग्रामिंग के नेम्स गए थे तो हमारे नहीं गए, तो उसके लिए मैं रीजन डाल दूंगा। तो आप जब मेरे से कांटेक्ट में नहीं आओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है कि नहीं। तो कोई जॉब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, right, sir. उसकी भी लगेगी, जिसकी लगेगी, पर जो जो है ही नहीं, मतलब बिंदास कहीं है ही नहीं, तो वो तो फिर तो वो कॉलेज के लिए भी है ही नहीं, ये सुन लेना। पता होना चाहिए करंट लोकेशन कौन सी है, करंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या, और क्या कर रहा है, रीजन क्या है भाई, मेरे को इतना सा चाहिए। जो तो मुझे कॉल कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो मैं तो उनको रिकॉर्ड वैसे ले लूंगा। जो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बहुत पीएम से भी ज़्यादा बिजी हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करें रोल नंबर के साथ, और अपना हर चीज पर लिख के देखे सर ये वाली बात है और मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स टॉक टू टुडेस टॉपिक, क्लास को अटेंड करो यार, अब तो ऑलमोस्ट फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ फिनिशिंग करने पे हम आ रहे हैं अपने आप को, और सबसे पहले कोरोना से बच के रहो, ठीक है, कोरोना से बचो। कोरोना कहते हैं बहुत मार रहा है, किसी को भी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो वो कोरोना घोषित कर रहे हैं। अपने लीवर का ख्याल रखो, जो कोरोना का ये स्ट्रॉन्ग आया है कहते हैं बहुत तेज है, लीवर की गर्मी मत होने दो, एटलीस्ट कोल्ड एंड कफ तो कुछ और ही चीज़ है, इसका कहते हैं कुछ और भी हिसाब किताब है। आई डोंट नो कोरोना क्या चीज़ चल रहा है नहीं चल रहा है, वो मुझे नहीं पता, बट आप अपनी सेफ्टी रखिए। फिर से रिपीट करता हूँ, रोज एक ग्लास लौकी का जूस पीजिए चुकंदर डाल के, बस खाली पेट, फिर आप फिट रहेंगे, ठीक है। अगर चाहते हैं कि आप, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी ऐसा चल रहा है कि 2021 है, दुनिया मर रही है, टीवी चैनल वाले तो वैसे ही ठंडा कर देते हैं कि शमशान घाट में लगी कतारें। अबे यार कतार नहीं लगी है शमशान घाट में, एक्चुअली उसका वो देखा गया, तो 4 डेड बॉडीज हैं, और जहाँ पे कोरोना वाले को जलाते हैं उनके लिए अलग से बनाए गए हैं 2 पोर्शंस ना, तो पहले एक जलेगा फिर दूसरा जलेगा ना उसके बाद में। अब हर जगह नहीं ना उसको जला सकते, हर शमशान घाट में बाकी बंदे भी आके तो जल जल उनको भी तो क्रीमेशन कर रहे हैं ना, उनका भी जो नॉर्मल डेथ्स होती हैं तो उनका भी होता होगा। अब कोरोना के लिए उन्होंने सेपरेट जगह बना दी, भैया ये 2 पोर्शंस अलग से कर दी, यहाँ कोरोना वालों के लिए करेंगे। तो मीडिया वाले क्या बना के दे रहे हैं कि कतारें लगी कोरोना में, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है जलने के लिए, बंदे वैसे ड्रिप किन कितनी मौत चल रही है वहाँ पे। एक्चुअली उसकी खबर को देखा जाए तो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, उन्होंने बताया कहते सर कि ये इतना पोर्शन एरिया है
ये कोरोना वालों के लिए हम कर रहे हैं, पर वन बाय वन ही जाएगा ना आदमी, इकट्ठे थोड़े इकट्ठे पांच रखे और सीधा मिट्टी का तेल बम आग लग गई। तो मीडिया ज्यादा डरा रहा है, सतर्क रहिए। कोरोना से बचने के तीन उपाय सबसे बेसिक है। सबसे पहला, अपने हाथ जब भी बाहर जा रहे हैं घर वापस आ रहे हैं अपने हाथ 3 बार साबुन से धोइए एटलीस्ट, फिर सैनिटाइज कर लीजिए अपने आप को, फिर कोई चीज खाइए। अगर आप ऐसे करेंगे आपको कोरोना नहीं होगा, मैं गारंटी से कह देता हूँ। मास्क पहनिए, जरूरी है, नहीं पहनेंगे तो पुलिस वाले चालान काट देंगे। काट रहे हैं आपके वहां पे, काट रहे क्या? हमारे यहाँ भी बहुत काट रहे हैं, इसलिए मैंडेटरी कर लो। मास्क पहनिए, हाथ अच्छे से धोइए खाना खाने से पहले। जो बच्चे हाथ नहीं धोते हैं, मुझे पता है कि एक सर्वे है इंडिया का, मोर देन 75% ऑफ इंडियंस खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, दैट इज सर्वे। असो मत, तुम्हारे तुम भी इसमें जो एक हो गए मुझे पता है। नहीं नहीं सर, मेरा ये सिस्टम नहीं है सर। हो जाता बेटा, कई बार मेरे से भी ऐसे हो जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस, हो जाता है। सही नहीं हो कभी कभी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो बता मैं तो सर पहले हाथ धो धो के खाना खाता हूँ, ऐसा कुछ। 75% ऑफ इंडियंस जो भी हैं वो हाथ नहीं धोते हैं खाना खाने से पहले। वो घर में कई बार तुम कुछ कर रहे हो, अच्छा खाना, हाँ कुछ चीज खाने को बोलते हैं ना, अच्छा जलेबी आगे खा लो, मत खाओ ऐसे, कुछ भी करो पहले हाथ धोइए अच्छे से, अच्छे से अपने आप को अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, साफ रहिए, अपना टावल किसी को यूज मत करने दो, खुद का टावल खुद का यूज कीजिए, किसी के कपड़े मत पहनो, ये सब है। और मार्केट जब आ रहे हो तो मास्क पहन के जाओ, ये है और कुछ नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग, और कम से कम हॉस्पिटल की विजिट कीजिए, ये है कोरोना के जो अभी आपको जो SOPs दी जा रही हैं, जो हम हमारा कभी काम दिया है कि आप भी बच्चों को जागरूक कीजिए, तो हमारा भी ड्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो भी बाहर आए हैं, आप लोगों को भी जो घर में रह रहे हैं वो तो बहुत सेफ है, बहुत कम जाइए मार्केट वार्केट बहुत कम जाइए, रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट में या दोस्तों साथ मिलना विलना पार्टी पार्टी करना थोड़ा कम कर दो, क्या पता कहाँ पे कौन किस जगह कौन बैठा है और तुम लोगों को गलती में लपेटे में आ जाओ। जिंदगी या तो जहान है तो सब कुछ है। मैक्सिमम घर में रहिए, अपने अच्छे से रहिए और साफ रहिए, और सैनिटाइजर नहीं तो डिटॉल का यूज कीजिए, सबसे अच्छा है। नाते टाइम डिटॉल लगाइए, डिटॉल के एक पानी में बकेट में डाल दो, एक दो एक एक आधी वो ड्रॉप होती है जो डिटॉल होता है ना, नॉर्मल डिटॉल एंटीसेप्टिक है। तो नहाते टाइम क्या करो, डिटॉल लो एक ढक्कन पानी में डाल लो, नहा लो, थोड़ा तो कुछ रहेगा। ये तो हो गया बाहरी सिक्योरिटी का काम, अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का ये सबसे बड़ा फंडा है कि हेल्दी फूड खाओ, जैसे कि जूस पियो, पर बर्फ वाला मत पियो, मार्केट वाला मत पियो, लौकी का पियो सबसे बेस्ट, चुकंदर डालो, संतरा डालो उसके अंदर, मौसमी डालो, ये सब पियो। कोल्ड एंड कफ ना होने दो अपने आप को, कोल्ड एंड कफ हो रहा है तो PCM वगैरह खा के अपने आप को ठीक कर लो, डॉक्टर के पास बहुत कम जाओ। जो हॉस्पिटल में गया तो उसको तो बोलेंगे बेटा तू तो आ पहले, तू पहले सीधा करो, तुझे कोरोना है, ठीक है। कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो सीधा उसको बोलो भैया हाथ नहीं मिलाना, बस हाथ जोड़ दो, और रिश्तेदार आ रहा है उनको हाथ जोड़ दो कि भैया थोड़ा कम है, ट्रैवलिंग कम करो, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी अपनी है। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक, हम आज का शेयर करते हैं और लेट्स एक्सप्लोर द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ टूरिज्म। दिख रहे हैं भाई सबको बीच और ये, लेट्स एक्सप्लोर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री। सर दिख रही है PPT, कौन कौन जाना चाहेगा इस जगह में? यस सर, जाना चाहेंगे? चलिए जाना चाहेंगे। नेचर है, पर इस जगह पे कौन कौन जाना चाहेगा? अरे कहीं मना ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे तो मना नहीं कर पाएगा। ये कोई वॉलपेपर नहीं है, ये मॉरिशस का एक इमेज है उठाया हुआ है, इवनिंग का बीच बंगलो है उसका, ये फोटोग्राफ है इवनिंग का है, और ये इवनिंग में जो हनीमून कपल्स है उनको इस तरह से डिनर सर्व किया जाता है वहाँ पे, इवनिंग में हाई टी वगैरह कॉकटेल शैंपेन वगैरह ऐसे ऑफर की जाती है इस जगह पे। ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है, कुछ भी नहीं। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री फ्रॉम द हिस्ट्री टू करंट एरा। मैं कोरोना की बात नहीं करूंगा अभी, तो इसको कोरोना के साथ मत जोड़ना, क्योंकि सब्जेक्ट में जो BTTM का 6 semester है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि कोरोना है, तो मैं सिलेबस के हिसाब से बात करूंगा, तो ये चीज अभी फिट बैठती नहीं है। मुझे पता है कि ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री इज द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, इसके अगर होना चाहिए ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री इज द मोस्ट डिफॉल्टिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, वो मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज व्हाई? बिकॉज PTU को नहीं पता था कि 6 semester में कोरोना होगा, 5 semester में कोरोना आएगा। किताबें तो छप गई है पहले,
तो सिलेबस छपा हुआ है पहले, तो हमें सिलेबस के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। यहाँ कौन जाना पसंद करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड बीच है, बहुत फेमस बीचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, गोल्ड बीच है ये। एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू डिकेड्स टूरिज्म इंडस्ट्री इज द विटनेसिंग न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट्स। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसने बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी उस चीज की गवाह बनी है कि उन्होंने नए मॉडर्न तरीके को और चेंज किया है। टूरिज्म ने लोगों को लाइफस्टाइल बनाया है, समझते हैं आप, टूरिज्म से लाइफस्टाइल बनता है। त्रिपाठी बात बाद में करवा मम्मी से, पहले इधर अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, आधा घंटा का सेशन है, पहले ये देख लो। आंटी को कह दो 5 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा कुछ और कर लो प्लीज, क्योंकि मेरे को भी काम है क्लास के बाद, मेरे को भी खेत में जाना है अपने अभी। सॉरी सर, प्लीज फोकस ऑन दिस। मैं बात करूंगा टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म ने हमेशा हमारा लाइफस्टाइल बनाया है, वो ऑब्वियसली बनाया है, बिकॉज जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हम हमेशा पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। ऐसा कभी होता है कि हम फोकट में घूमने गए कहीं, ऐसी जगह जाओगे फोकट में जाओगे, पैसा लेके जाओगे ना? नहीं सर। अगर नेचर को देखना है, अगर एंजॉय करना है, तो भैया ऐसी जगह जाना तो पैसा तो लगेगा। लाइफस्टाइल बनेगा तो आप होटल्स में रहोगे, लाइफस्टाइल बनेगा तो आपको खाने के लिए वेटर्स आएंगे, लाइफस्टाइल बनेगा तो भैया आपको गाड़ी वाला आपको लेने के लिए आएगा। तो वैसी वाली अगर फील करवानी है तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है टूरिज्म का, जिसने डेवलपमेंट्स की है लाइफस्टाइल के अंदर, जिसने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज को जेनरेट किया है। दीज न्यू ट्रेंड्स आल्सो इन्फ्लुएंस टूरिज्म सेक्टर्स मार्केटिंग प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मेकिंग न्यू बिजनेस पॉलिसी फॉर पीक सीजंस। इस तरह की जो इमेजेस हैं, इस तरह के जो टूरिज्म सेक्टर के इन्फ्लुएंसेस हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो नई पॉलिसी बनाते हैं ताकि पीक सीजन में हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। जैसे कि जब गोवा का सीजन आता है, जब यहाँ पे विंटर होती है, तो गोवा का सीजन दबा के होता है, तब ऐसे पिक्चर्स, ऐसी इमेजेस के हिसाब से बहुत सारे पैकेजेस, प्रमोशंस आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड वो सब चीजें हैं उन पे आता है। इसका मतलब जब कभी आप यूट्यूब भी खोलोगे तब भी आपको ऐसी कोई एड्स दिखेगी जो कि आप, क्योंकि यू आर इन समवेयर इन विंटर सेशंस, बट यू विल फील आपको गर्मी वाले वो दिखेंगे, ये बीचेस ये वो दिखाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको कि आप इसको देखो और आपका मन करे ट्रैवल करने को। ट्रैवल करने का मन का मतलब है पैसा खर्च करने को, होता है ना। ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना होगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई रेल से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, पैदल तो बहुत कम वाले रह गए, वो तो अब तो ये भी नहीं पैदल चलते बाबा सन्यासी लोग, जो साधु वगैरह हैं, जो कुंभ में हैं, ये भी तो गाड़ियों में आते हैं आजकल बड़ी बड़ी। तो ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं नए सेक्टर में बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर कोरोना नहीं होता तो टूरिज्म की बहुत डिमांड थी गाइस, इतनी जॉब्स थी टूरिज्म के अंदर, हर बंदा टूरिज्म 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 कर रहा था, नहीं कमी थी जो जॉब की, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा है लोगों के पास, वो घूमना चाहते हैं, वो घूमते हैं और बहुत सारी जॉब्स हैं। जब कोरोना का ये ड्रामा सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब कोरोना का ये जितना भी जो चल रहा है जब खत्म हो जाएगा, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे ये मुझे नहीं पता है, बट सबसे ज्यादा जो बूम आएगा इंडस्ट्री के अंदर, बाकी इंडस्ट्रियों में तो आएगा आएगा, लेकिन टूरिज्म में बहुत, इसको बोलते हैं ना कि हाई लेवल का बूम होगा वो, क्योंकि लोग साल 2-3 साल से क्या होगा, अभी आजकल लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं ना करते, घर पर रहना पसंद करते हैं, तो क्योंकि डरते हैं सब लोग ना, इंटरनेशनल वाले यहाँ नहीं आते, नेशनल वाले वहां नहीं जाते, क्योंकि डरे हुए हैं इस कोरोना की वजह से। हो सकता है 2021 में भी ये सब चलता रहे, हो सकता है 2022 में भी ये सब चलता रहे। वंस ये रुकेगा तो जैसे भीड़ आती है ना, भीड़ फ्लो आता है, ऐसे होगा बॉम्ब फूटेगा घूमने का। लोग घरों में रहकर परेशान हो गए होंगे, लोगों को बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, मिलना है दोस्तों के साथ, पार्टी करनी है, फन करना है, इतना बूम आने वाला है। और तुम लोगों को मैं फिर से बोल देता हूँ, जो टूरिज्म वाले होंगे ना, जैसे कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा किसने पैसे कमाए, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पैसे कमाए, फार्मा ने कमाए और आईटी ने कमाए, क्योंकि जो आईटी वाले थे वो अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आईटी का काम चल रहा था, उनको सैलरियां मिल रही थी।
बाकी इंडस्ट्री डूब गई थी, टूरिज्म डूब गया था, है ना, बंदे जाते ही नहीं है। जब कोरोना प्रॉपर खत्म होगा आप देखना सबसे बड़ा बूम टूरिज्म इंडस्ट्री में फूटेगा। तो लोग देखना, लोग जाएंगे जाएंगे घूमने, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा उतनी ज्यादा जॉब्स आएंगी, उतना ज्यादा काम होगा। तो आप टेंशन मत लेना कि हमने BTTM किया हुआ है हमें जॉब्स की दिक्कत हुई है। कोरोना कोरोना के टाइम में मैं मान सकता हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, सर्वाइव करना पड़ेगा, कोरोना के टाइम में दिक्कत होगी। बट वंस अ कोरोना विल गो और ये हट जाएगा सब चीज, तो एक ही सेक्टर होगा जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, वो होगी टूरिज्म के अंदर। ये तो मैं आज कह देता हूँ, बीइंग अ योर प्रोफेसर, बीइंग अ योर ट्रेनर टीचर, कि आप BTTM करके यू विल नेवर फेल डाउन कि हमने गलत कोर्स किया है। मैं फिर से कह देता हूँ, बैचलर ऑफ ट्रेवल टूरिज्म मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी ही करेगी। आज कई बंदे बोलते हैं ना, सर हमने कौन सा कोर्स कर लिया, पता नहीं ये डिग्री हमने कर ली है, हमें कहीं और जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? आप लोग भी सेम एलिजिबल हैं जितने दूसरे लोग ग्रेजुएशन में एलिजिबल हैं। आप भी सेम, यू आर आल्सो सेम एलिजिबल दैट अदर पर्सन आर एलिजिबल फॉर दैट। आप उसकी टेंशन मत कीजिएगा। वंस कोरोना जाएगा और सबसे ज्यादा जो बूम इस इंडस्ट्री में आने वाला है वो टूरिज्म की इंडस्ट्री में आने वाला है। होता है क्योंकि किसी भी चीज का, क्योंकि इससे पहले कोरोना से मैं पहले की बात कर लेता हूं, इतना ज्यादा काम था बिजनेस, इतना ज्यादा टूरिज्म का बिजनेस है। और एक चीज मैं आपको और बोल देता हूँ, इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं है लोगों के पास पैसे की, वो पक्का घूमेंगे। बस थोड़ा कोरोना की वजह से डरे हुए हैं, अभी थोड़ी SOPs ऐसी आ रखी हैं। और ऑब्वियसली ठीक है, आप लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बंदा कहता है घूम लेंगे बाद में। जैसे IT और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पैसा कमाया है कोरोना के टाइम में, ड्यूरिंग कोरोना, और जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो एक ही इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम करेगी, वो करेगी टूरिज्म की, बिकॉज लोग मास में ट्रेवल करेंगे। और BTTM जो आप लोग कर रहे हैं, आप खुद बोलोगे नहीं यार हमने जो कोर्स लिया है दैट इज द एक्सीलेंट कोर्स जो हमारे को काम दिलाएगा। Galaxy Note 20 प्लीज काइंडली ऑन योर वीडियो, Galaxy Note 20 जो भी है अपना प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। Galaxy Note 20 को मेरी आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। सर नमस्कार सर, सॉरी सर, सॉरी आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, प्लीज गो अहेड। ओके सर, थैंक यू सर। सो गाइस, सो डू नॉट वरी फॉर दैट, बीइंग अ BTTM स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से अपने सेमेस्टर को क्लियर कीजिए। मैं मान सकता हूँ 5 महीने 6 महीने जब आपका 7th, 6th, 7th, 8th में जब आप ट्रेनिंग टाइम में जाओगे, हो सकता है कोरोना का टाइम होगा, थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट उसके बाद क्या होगा, यू विल गेट एवरीथिंग्स। और बहुत बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है ना, वो इस इंडस्ट्री के अंदर है। आप सिर्फ एक डिग्री नहीं कर रहे हैं, आप टूरिज्म में नहीं जा रहे हैं, आप होटल ऑपरेशंस के अंदर भी जा सकते हैं, आप अपने रिटेल बिजनेस के अंदर भी जा सकते हैं। जितना भी सेल्स का काम होता है, आप जितने भी सेल्स की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म, कोई फाइनेंस की सेल्स की बात करते तो भी BTTM का सब्जेक्ट फिट बैठेगा। कहीं भी सेल्स हो, रिटेल मैनेजमेंट हो, आप कहीं भी जो भी टेक्निकल की मैं बात नहीं करूंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट गेस्ट रिलेशन से लेके आप किसी भी लेवल पे बात करिए, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो डू नॉट वरी, आपकी डिग्री बहुत सेफ है। और मैंने खुद की है ना ये डिग्री, मुझे पता है, मानता हूँ थोड़ा सा नहीं होगा, अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल वालों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे अदर पीपल के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, बीइंग अ BTTM आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप टेंशन मत कीजिएगा इस हिसाब से। तो हर इंडस्ट्री का रूल है, थोड़ा अप जाती है फिर डाउन आ जाती है, चलते सिचुएशन है ना, सिचुएशन है। और इसके बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद तो यू हैव, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगे, आप बोलोगे मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि कंपनियां बल्क में हायर करेंगी। अभी जैसे बल्क में शॉर्टेज करी है कंपनियों ने, ये बल्क में हायर करने वाली है, बल्क में हायर करने वाली है। मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ फ्रेंकली, जैसे चाइना के साथ इंडिया को चल रहा ना पंगा की चाइनीज चीज का बहिष्कार करो, ये करो वो करो, चाइना से ये सब कुछ आया है, कुछ नहीं है। अभी एक नया MOU साइन हुआ, अनुराग ठाकुर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नया MOU साइन किया है, 40 न्यू
और कंपनीज चाइना के साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है वापस इंडिया में काम करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ बिजनेस करता है तभी काम चलता है इनका, और बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन चाइना इंडिया में इन्वेस्ट करता है वो करेगा, जरूर करेगा। ये इसी की वजह से हो रहा है, कोरोना चाइना की वजह से आया, कोरोना आया जी, बंद कर दो व्यापार करना, वो करना व्यापार करना, ये सब कुछ और लेवल चल रहा था। अगला कुछ और लेवल आ रहा है, बिजनेस मॉड्यूल कुछ और लेवल का है, तो अपॉर्चुनिटीज होंगी। जैसे अलीबाबा जैसी कंपनी, जितनी भी कंपनी थी, सब चाइनीज कंपनी का पैसा लगा हुआ था इसके अंदर, राइट? सो डू नॉट वरी फॉर दैट। बीटीटीएम आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। अब अपने अच्छे से सेमेस्टर क्लियर करो, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, आप एट्थ में चलिए, जब तक सेवेंथ सेमेस्टर आपका हो जाएगा, एट्थ में आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तब तक कोरोना का काम भी खत्म हो जाएगा, फिनिशिंग होने लगा, कोरोना हो जाएगा। सो दिस ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस टूरिज्म सेक्टर्स मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग ए न्यू बिजनेस पॉलिसीज फॉर ए पीक सीजन। इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। लेट्स नो अबाउट द न्यू ट्रेंड्स देयर इन्फ्लुएंस। अब जब नए ट्रेंड्स कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को, इसमें कोरोना को हम इंडिकेट नहीं करेंगे, इसमें हम कोरोना को नहीं लेंगे, बिकॉज ये कोरोना, इनको नहीं पता है कोरोना अभी बीच में आया हुआ है, तो इसके हम बात नहीं करेंगे। As the increasing growth of online travel industry, travelers are getting more information at their fingertips, and that leads to long-term holidays as gift to them. देखिए guys, IT ने बड़ा ही विशेष रोल अपनाया है। IT is the major parts of travel agency. Tourism को बढ़ाने के लिए IT ने सबसे supportive चीज दी है IT. Travel agency को और ज्यादा मजबूत किया है IT ने, क्योंकि आपको IT के साथ मिलके, IT industry के साथ मिलके tourism बढ़ा है। जितनी भी travel agencies हैं सारी online हैं। पहले बहुत पहले क्या होता था, अगर आपको लंदन का पैकेज चाहिए, लंदन की होटल की बुकिंग चाहिए, तो वो एक स्लो, आपको पहले किसी एजेंसी में जाओगे, वो लंदन के होटल में फोन करेगा। अब उसके उस एजेंसी का टाई अप है या नहीं है, आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब कुछ एक लैपटॉप के अंदर है। यू वॉन्ट टू बी अ लंदन, आपको लंदन में जाना है, सिस्टम है, ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रीपेड होते हैं ना आपके मोबाइल में, प्रीपेड अमाउंट पड़ा हुआ है, शॉपिंग करनी है, फटाफट सेलेक्ट किया और आपने शॉपिंग कर ली, ऐसे ही ऑनलाइन होटल्स आ चुके हैं सारे के सारे, ऐसे ही सिस्टम्स हैं जो कि, ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि काम चला रहे हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस के अंदर काम कर रहे हैं। आप जाइए, आप सिर्फ अपना लंदन का लोकेशन डालिए कि कौन सी स्ट्रीट में चाहिए, आपको ये सिस्टम है कि लोकेशन बताओ आपको कहाँ चाहिए। लंदन की कोई भी स्ट्रीट जो जिसमें आपको फिजिबल लगता है कि मेरे को इस एरिया के अंदर डाउनटाउन के पास जाना है या मेरे को किसी और एरिया के अंदर पास पास जाना है, यू हैव टू बी गो देयर, आपको वहां जाना है, लोकेशन डालो, होटल की लिस्ट बाहर, रेट सारे क्लियर, ये रेट रेट और INR में रेट्स आपके सामने आ रहे होंगे, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, ऑनलाइन बुकिंग उठाओ, वाउचर जेब में डालो, फ्लाइट पकड़ो, वीजा आपका अगर होगा, वीजा आपका होगा, फ्लाइट ली आपने, गो टू लंदन, लंदन लैंड कीजिए, अपने होटल में जाइए, वाउचर दिखाइए, अपना स्टे कर लीजिए। देखिए कितना आसान कर दिया है आईटी ने, आईटी मेक ए मेजर सपोर्ट, आईटी ने बड़ी ही मेजर सपोर्ट दी है इंडिया के, इंडिया का अराउंड द वर्ल्ड कनेक्ट कर दिया है पूरे को। यहाँ बैठे बैठे आप चंडीगढ़ में बैठे बैठे आप वर्ल्ड का कहीं का भी टूर ले सकते हैं, चंडीगढ़ के किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप जाइए, आप वर्ल्ड का कोई भी कोना बताइए कहाँ जाना है, वो आपको टूर देगा। आप हिमाचल में किसी भी ट्रैवल कंपनी के पास जाइए, बताइए वर्ल्ड का कौन सा कोना है जहाँ आपको ट्रैवल करना है, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। सो ऑल ऑन द टिप्स क्यों है, आईटी गिव द मेजर सपोर्ट टू देम। ट्रैवल डेस्टिनेशन, ट्रैवलर ऑलवेज लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे कैन रीजेनरेट देमसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस टू डे टू डे लाइफ। देखिए जो ट्रैवलर्स हैं वो अपने आप को, अगर आप अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आप जाते हैं, आप घूमते हैं, आप अपने आप में अलग से एक्सपीरियंस फील करते हैं, होता है ना, कभी अगर आपने दिल्ली गए, कभी आप बॉम्बे गए, कभी आप चेन्नई गए, कभी आप केरला गए, कभी आप त्रिवेंद्रम गए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट गए हैं, हिमाचल गए हैं, उत्तरांचल गए हैं, तो व्हाट हैपेंस, आपका जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं, पर हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो नेचर देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं ग्रीनरी है, कहीं मेट्रो सिटीज हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, अलग अलग तरीके की चीजें देख के तो हमारा दिमाग क्या होता है, फ्रेश होता है।
जैसे सिस्टम के अंदर लैपटॉप के अंदर रिफ्रेश का बटन होता है, ऐसे ही ट्रैवलिंग जो है आदमी के दिमाग को रिफ्रेश कर देती है। अभी बोलते ना यार, बड़ी बड़ी जो आप बड़ी बड़ी किसी कंपनी जब आप काम करेंगे तो कंपनी विल गिव द फ्री टूर्स देती है, एज ए कंपोनेंट टूर्स देती है अपने एम्प्लॉयज को घूमने के लिए। वो क्यों देती है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे बहुत स्ट्रेस वाला काम करवाना है, उसने वो काम करवा रही है, उस काम के दौरान उनको एज ए रिवॉर्ड उनको कुछ दिन के लिए फ्री टूर्स के लिए भेज देती है कि जाइए। माइस की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, कहाँ हो रही है जी? ये कंपनी है आईटी की, लेकिन इनकी जो मीटिंग हो रही है कहाँ हो रही है? गोवा के अंदर। क्यों? गोवा में क्यों हो रही है? वो मीटिंग तो कहीं बैठ के बैंगलोर में भी कर सकते हैं, सिलिकॉन वैली में बैठ के, वो मीटिंग तो दिल्ली में भी कर सकते हैं बैठ के, गोवा ही क्यों? बिकॉज क्यों? मीटिंग के साथ साथ उनको घूमने का मौका मिलेगा, थोड़े रिजनरेट हो जाएंगे और वो थोड़ा और मन लगा के अपने उस कॉन्फ्रेंस या उस काम को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये सारे ट्रेंड्स है, ये सब कुछ कोई, ये कोई फेंकी हुई बातें नहीं है, इट्स नॉट कि ये सब बातों में है, ये लॉजिक है, इसके फैक्ट्स हैं। आप अलग अलग जगह घूमेंगे तो आपका दिमाग का जो मेंटल लेवल है वो अलग अलग किस्म का रह जाता है। अगर अगर आप दिल्ली गए, शिमला गए, चंडीगढ़ गए घूमे, तो आपको क्या हुआ, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग जगहें देखते हैं, आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव होता है। अगर मैं आपको सेम जगह सेम जगह एक साल रखूँ ना तो आपका दिमाग डल हो जाएगा, क्योंकि आप रोज वही चीज कर रहे हैं, वही उठ रहे हैं, वही गाड़ी में बैठ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, वहीं से उठ रहे हैं, वापस मार्केट जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। आप कितना घूम लो, कितनी पिक्चर्स देख लोगे, कितनी मूवी, कितना यूट्यूब, कितना ट्विटर, कितना फेसबुक, कितना व्हाट्सएप कर लोगे, कहीं ना कहीं दिमाग लगेगा कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। सो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट थिंग टू रीजेनरेट फॉर योर माइंड रिफ्रेश, दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए ट्रैवलिंग जो है स्ट्रेस फ्री करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। द मोस्ट ट्रेडिशनल ट्रेंड्स ऑफ सेलेक्टिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज एडवेंचर ट्रैवल, नेचुरल ट्रैवल, कल्चरल हेरिटेज एंड वेकेशनिंग विद द फैमिली एक्सेट्रा। देखिए हर आदमी की डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है, किसी को दाल पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को चिकन, किसी को मटन, किसी को कुछ, सेम चीज डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी है ट्रैवल के अंदर भी। सम पीपल आर इंटरेस्टिंग टू एडवेंचर करना चाहते हैं, रिवर राफ्टिंग करनी है मेरे को, बंजी जंपिंग करनी है मेरे को, थोड़ा कैंपिंग करनी है मेरे को, थोड़ा अलग से दिखाना है अपने आप को, वो उस तरफ को जाएंगे। सम पीपल आर पीस एंड काम, भाई मैं योगा वाला इंटरेस्टेड आदमी हूँ, मैं थोड़ा नेचर नेचर को पसंद करता हूँ, मैं थोड़ी नेचर की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं नेचर टूरिज्म के लिए जाऊंगा। कल्चर वाला, सम पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू कीन टू नो अदर पीपल, सोसाइटी कैसे रहते हैं लोग, राजस्थान के लोगों का खान पान क्या है, नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे रहते हैं, वो उनका उनका खान पान क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनके फोक सॉन्ग्स क्या है। सम पीपल आर इंटरेस्टेड विद अदर कल्चर, उनको कल्चर पसंद है तो वो कल्चर के हिसाब से। कुछ लोग हमारे भी क्योंकि जिनको पसंद है पुरानी चीजें, हेरिटेज टूरिज्म, पुराने मॉन्यूमेंट्स कैसे बनाए हैं, राजे महाराजों के बारे में हमने सुना तो था, हमने उनके कभी किले नहीं देखे हैं, हमने वो कहाँ रहते थे, उनके दरबार कैसे लगते थे। डिफरेंट चॉइस एट द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिपेंड्स करता है आपको कौन सा लेना है, उस हिसाब से है, राइट? सो गाइस, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स इन फ्यूचर्स जो कि आदमी को रीजेनरेट करते हैं, ट्रेंड्स में लाते हैं, उस इसमें करते हैं। कोई चीज आपको इसमें समझ ना आई हो, कोई चीज आपको इसमें समझ ना आई हो, आप प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। त्रिपाठी है, रितिका है, जानवी है। आ गई सर। आ गई है। चेहरे इतने उदास उदास क्यों है भाई? सब ठीक हो? खुश हो? हुआ क्या है? कुछ नहीं। हमारी शादी हो गई है, तुम उदास हो गए हो?